गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इन आर डी एस ग्रुप। माई सेल्फ निधि वाजपेयी एंड आई एम गोइंग टू टेक इंग्लिश क्लासेस। आई विल टीच यू इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ऑनलाइन क्लासेस। सो एवरी वन लिसन ऑल द वीडियोज वेरी क्लियरली एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क इन योर क्वेश्चन आस्किंग टाइम। You have to maintain your notebook by own, so it is necessary to listen all the instruction very carefully. First of all, open your English book. Your English book is Daffodil. Okay, so let us start our chapter first. Chapter first, Bugs Play Music. Your chapter is Bugs Play Music. Do you know the name of all musical instrument given in the picture? जो musical instrument दिए हुए इनके name आप जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे जानते हो कुछ ना जानते हो। First violin, second drum, third tabla and last flute. First violin, second drum, third tabla and flute. Which musical instrument would you like to play? आपको कौन सा musical instrument अच्छा लगता है, कौन सा आपको पसंद है? मुझे तो violin पसंद है, आपको जो पसंद है वो आपको write करना है। Okay? अच्छा बताइए कि आपने कभी किसी कीड़े को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखा है? नो, आई हैव ऑल्सो नो सीन। मैंने भी नहीं देखा है, आई थिंक आपने भी किसी ने नहीं देखा होगा। इस ये पोयम बग्स प्ले म्यूजिक बाय अनीता भट्टाचार्य। इस पोयम में इंसेक्ट्स है, कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं? लेडी बग, बटरफ्लाई, हनी बी, बीटल, ग्रॉसहॉपर एंड फायरफ्लाई। ये आपको यहाँ इस पोएम में इंसेक्ट्स नेम मिलेंगे। दीज बग्स आर प्लेइंग म्यूजिक। ये जितने भी बग्स हैं ये म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। ये सारे इंसेक्ट्स नेम हैं जो इस पोएम में म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। ओके, हु इज़ प्लेइंग द लवली ट्यून। ये मधुर ध्वनि कौन बजा रहा है? सी द फायर फ्लाइज ब्लिंकिंग अंडर द मून। फ्लायर फ्लाइज को देखो जो मून लाइट में जगमगा रही है। ओ वी कैन सी सम बग्स। ओ हम तो कुछ बग्स भी देख सकते हैं। आई थॉट दे जस्ट स्पॉइल्ड रग। मैंने सोचा उसने मेरी कालीन को स्पॉयल में मतलब ख़राब कर दिया है। द हनी बी प्ले द फ्लूट। हनी बी बांसुरी बजा रही है। हिज डांसिंग फ्रेंड्स लुक क्यूट। उसकी डांस करते हुए फ्रेंड बहुत क्यूट लग रहे हैं। द बीटल प्ले ड्रम। बीटल ने दीमक ड्रम बजा रही हैं। Nodding their head, his friends hum. उसके जो फ्रेंड्स हैं वो गर्दन हिलाते हुए इंजॉय कर रहे हैं। ग्रॉसहॉपर प्लेज द ऑर्गन। ग्रॉसहॉपर ऑर्गन बजा रहा है। ही इज डांसिंग हैविंग फन। वह डांस करके इंजॉय कर रहा है। देयर आर लेडी बग तबला प्लेज। वहाँ एक लेडी बग है जो तबला बजा रही है। एलोन शी सिट सिंग एंड स्वे। वह अकेले बैठी हुई है और गा रही है और झूम रही है। द बटरफ्लाई प्लेज वॉलिन सो स्वीट। तितलियां बहुत मधुर वॉलिन बजा रही हैं। For the fireflies listening, it
इज अ ट्रीट, फायर फ्लाइज मीन्स चुगनू इसे ट्रीट की तरह सुन रहे हैं। ऑल द बग्स आर इन द गार्डन, सारे बग्स गार्डन में हैं। दे आर प्लेइंग म्यूजिक, वे म्यूजिक बजा रहे हैं। हनी बी प्लेस फ्लूट, हनी बी बांसुरी बजा रही है। अदर हनी बीज आर डांसिंग, और अदर हनी बीज और जो अन्य मधुमक्खियाँ हैं वो डांस कर रही हैं। बीटल प्लेज द ड्रम, बीटल मीन्स दीमक ड्रम बजा रहा है। हिज फ्रेंड बीटल नोट्स हिज हेड, उसके फ्रेंड सर हिलाकर इंजॉय कर रहे हैं। लेडी बग्स प्ले द तबला, लेडी बग तबला बजा रही है। सी सिट्स अलोन एंड सिंग टू ग्रासहॉपर, प्ले द ऑर्गन, वह अकेले बैठी और गा रही है। ग्रासहॉपर प्लेज द ऑर्गन, ग्रासहॉपर ऑर्गन बजा रहा है। ही इज डांसिंग टू इट्स ट्यून, वह इस ध्वनि पर डांस कर रहा है। बटरफ्लाई प्लेज द वोलिन, बटरफ्लाई वॉलिन बजा रही है। एंड द फायर फ्लाइज आर ब्लिंकिंग एंड लिसनिंग अंडर द मून, और जुगनू जगमगा रहे हैं और इस ध्वनि को चंद्रमा की रोशनी में सुन रहे हैं। नाउ आवर पोयम इज कम्प्लीटेड, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोयम वेरी वेल। ओके, ये आपको पोयम आपको मैंने रीड करा दिया है, आपको रीड करना है ये। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की एक्सरसाइज करवाऊंगी। सो लिसन केयरफुली, जिसने भी कॉपी में स्टूडेंट डिटेल थॉट एंड सिलेबस राइट नहीं किया है वो राइट कर लें। ओके, उसके बाद मैं कॉपी में वर्क कराऊंगी। अगर आपका पीछे वाला वर्क ये सब नहीं कंप्लीट होगा तो आगे का आप लोग का पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए आपको स्टूडेंट डिटेल आपके पेरेंट्स को फिल करनी है, वो पेन से फिल करना है। थॉट एंड सिलेबस ये आपको पेंसिल से राइट करना है। सिर्फ आपको स्टूडेंट डिटेल पेन से फिल करनी है, ये याद रहे। और स्टूडेंट डिटेल में आप सभी को अपनी पिक्चर्स स्टिक करनी है और हर पेज पे डेट एंड क्लास वर्क, डेट एंड पेज नंबर मेंशन करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।